सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश के आईएएस और पीसीएस अधिकारी आमतौर पर ओलंपिक अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ जाते हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा आईएएस या पीसीएस अधिकारी होगा जो ओलंपिक एक एथलीट के रूप में गया हो। गौतम बुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी सुहास सिद्धिराज इस बार पैरा ओलंपिक में एक एथलीट के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। सुहास एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका चयन हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए हुआ है। अगले महीने टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक 2020 के लिए सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कमर कस ली है। देश के लिए खेलने को लेकर सभी उत्साहित हैं। ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के भी कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी सुहास LY टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेंगे। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने उनके सिलेक्शन का ऐलान किया है। सुहास LY दुनिया के तीसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साल 2018 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सुहास LY मूल रूप से कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं। वो एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वो वर्ष 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। सुहास वर्तमान में पुरुष एकल में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जिलाधिकारी के तौर पर पिछले 1.5 साल से वो कार्यरत हैं। कोरोना काल में उनकी तैनाती हुई थी और उसके बाद उनके काम की सराहना पूरे देश में। इससे पहले वो प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। तब मार्च 2018 में वाराणसी में आयोजित हुई दूसरी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल चैंपियन बने थे। साल 2016 में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो बीजिंग में आयोजित हुई थी वहां पर सुहास LY ने जीत हासिल की थी और वो पहले नौकरशाह बने थे और वो पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने। इस दौरान वो आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे। तब उन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया की हेरी सुसांतो को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो तब आकर्षण का केंद्र बने जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऐसे में वो वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने।